गुड आफ्टरनून एवरीवन। बेटा आज आप लोगों को चैप्टर 6 बुक बी क्या करना है, कैसे कंप्लीट करना है, इसके बारे में हम बताएंगे। ठीक है मैम, बुक चैप्टर 3 बुक शीट दिया मैम। कौन सी बुक है? बुक बी, हिंदी की बुक बी। ओपन कीजिए चैप्टर 6। ओपन कीजिए सभी लोग जल्दी से। ओपन करें। पेज नंबर 31। हम जैनू का जादू। हाँ, जैनू का जादू बेटा। जैनू का जादू पेज नंबर 32 बेटा। 31 सभी लोग किए हो ना? यस मैम। 32 करना है आप लोगों को। सभी लोग ओपन कीजिए पेज नंबर 32। सोचे और लिखे मैम हिंदी। हाँ, डेट डालिए मैम हिंदी। सब लोग डेट डालिए। मैम डाल रहे हैं। अरे जीनू का जादू। जीनू का देखिए बेटा, सोचे और लिखे राइट है रौनक। बुक में बुक में दिख रहा है आपको। 32 हुआ मैम, 33 नहीं हुआ है। 32 हुआ? कितने लोग कितने लोग किए हैं? 32 हुआ। हाँ, सभी लोग किए हैं। मैं नहीं करी हूँ। मैंने नहीं किया मैम, नहीं किया। जिसने नहीं किया है ध्यान दीजिए, जिसने नहीं किया है। यस मैम। सेशन जब एंड होगा तो आप लोग कर लेना और करके इसका फोटो भेज देना। आप सभी लोग इसका फोटो भेजे। चैप्टर 32 चैप्टर का आप लोग फोटो भेजे करने के बाद। मैम इसका फोटो आज अभी भेजिएगा। आज आप इसका फोटो भेजिए अभी करके। सेशन होने के बाद कंप्लीट कर लेंगे। जो लोग नहीं कंप्लीट किए हैं उसके बाद फोटो क्लिक करेंगे इसका। समझ में आया? मैम बुक बी 33 नहीं हुआ। जो लोग नहीं किए वो लोग अभी कर लेंगे सेशन खत्म होने के बाद। चलिए हम बताएं क्या करना है आपको। चलिए अभी कर लीजिए जो लोग नहीं किए हैं, जो लोग किए हैं बताएंगे अभी। हाँ चलिए, जो लोग नहीं किए हैं वो लोग कर लेंगे। पेज नंबर कितना है? मैम चलिए आदर्श प्रताप सिंह। मैम पेज नंबर कितना है? पेज नंबर 32 ओपन कीजिए। आदर्श प्रताप सिंह आप बताइए आपने क्या राइट किया है? नंबर का में क्या राइट किए हो आप? जी का नाम जेनू था, जैकी
जैनू हाँ, खा में क्या राइट किए हो? कल में मैम चौपर, सभी लोग देख लीजिए जो लोग नहीं किए हो, वाक्य जो पूरा करना है। पहले क्वेश्चन नंबर वन में देखिए, आपको पहले एक ही मात्रा वाले चार शब्द लिखने हैं। सभी लोग सुन रहे हो देवेश तिवारी? यस मैम। आप खेलने बैठे हो हा? क्यों मूव कर रहे हो? बाहर कर दे क्लास से हा? राइट कीजिए, अभी आपको फोटो सेंड करना है। एक ही मात्रा वाले शब्द लिखना है। पहला शब्द आप क्या लिखेंगे? सौम्या बताइए। सौम्या मैम, मैम, मैम पेड़। मात्रा जेनू, पेड़। तो बोल जेनू। दूसरा क्या होगा? केला। खेल। पेड़। खेल। केला। मेला। ठेला। मात्रा रेला। एक ही आय की मात्रा, लेकिन आय की मात्रा से लिखना बेटा, ए नहीं। रपरे मात्रा। आय की मात्रा से है, पेड़ नहीं होगा न केला। देखिए, आय की मात्रा से होगा थैला, मैला, पैसा, भैंस, बैल। ठीक है, तो आप लोग इसको कंप्लीट कीजिए। जो लोग नहीं किए कंप्लीट कीजिए। मेरा हो गया मैम। दिव्यांशु आपका हुआ? यस मैम, यस मैम, मेरा हो गया। चलिए नंबर टू पे देखिए, दिए गए शब्दों की सहायता से वाक्य पूरा करें। नंबर का है, चिराग से निकले जिन्न का नाम था, जैकी था कि जैनू था? मैम जैनू। जैनू, तो आप जैनू यहाँ लिखेंगे। जैनू लिखेंगे मैम। जैनू, जैनू का स्पेलिंग क्या होता है? वहाँ लिखा हुआ नीचे स्पेलिंग क्या होता है। दो थप्पड़ लगाएंगे भी तुम्हें, बुक में राइट है तो फिर लिख पा रहे हो। जैन जैन की दोनों लिखा हुआ है। जब जैन पर जैनू मंत्र के। चलिए अगला देखिए, सभी लोग राइट कर चुके? यस मैम, यस मैम। जैनू ने बीते हुए में का खेल दिखाया। इसमें दो ऑप्शन है, चौपड़ है और रोबोट। मैम चौपड़। चौपड़। मैम चौपड़। चौपड़। मैम खा में चौपड़। बुक में लिखा हुआ है, पूछो कि स्पेलिंग तो पिटाई होगी। अभी मैम मैंने लिख दिया चौपर। मैम चौपर लिख दिया। हाँ चौपर लिख अब नंबर गा पे आइए। जैकी और जैनू में बैठ कर आने वाले कल में गए,
टाइम मशीन में बैठे थे कि हवाई जहाज में? देवेश तिवारी टाइम मशीन में। राइट किए प्रज्वल सिंह। टाइम मशीन टाइम मशीन लिखे क्या लिखे बेटा? टाइम मशीन लिखे टाइम मशीन टाइम मशीन टाइम मशीन। चलिए घर में राइट कीजिए वापस आने में, वापस आज में आने पर दोनों ने का खेल देखा, फुटबॉल का या क्रिकेट का? मैम क्रिकेट। मैम क्रिकेट। राइट कीजिए सभी लोग राइट कीजिए क्रिकेट। मैम राइट किए हम। मैम राइट किए। देवेश तिवारी क्या कर रहे हो आप? मैम कहाँ राइट किए देवेश? मैम में। बताइए फर्स्ट में क्या राइट किए हो बताइए आप, बाकी लोग चुप रहेंगे। मैम जैनू। जैनू दूसरा में क्या राइट किए हो? मैम चौपड़। गांव में क्या राइट किए हो? मैम टाइम मशीन। और घर में क्या राइट किए हो? मैम क्रिकेट। ठीक है हो गया कंप्लीट। आज अभी सेशन एंड होगा तो आज इसकी फोटो आप लोग भेजेंगे ठीक है? यस मैम। चलिए अब आइए पेज नंबर 33 पे आपको क्या करना है समझ लीजिए इसको। पेज नंबर 33 ध्यान से सुनेंगे, ये आपको कल कंप्लीट करके भेजना रहेगा। ध्यान से सुन लो सभी लोग। चलिए दो दिन बाद आपके विद्यालय में खेल दिवस मनाया जाना है। आपके विद्यालय में क्या होने वाला है दो दिन बाद? मैम खेल दिवस मनाया जाता है। हाँ खेल दिवस मनाया जाएगा है ना। आप सभी को उस दिन अपना मनपसंद खेल खेलना है। आपको उस दिन क्या करना है? मनपसंद खेल खेलना है। सभी को अपना मनपसंद खेल खेलना है ठीक है। अपने मनपसंद खेल से जुड़ी किसी एक चीज का चित्र बनाकर नाम लिखें। आपका जो मनपसंद खेल है उस खेल को यहाँ खेल का चित्र बनाना है ठीक है। चलिए हम एक एक से पूछते हैं क्योंकि जिसका जो मनपसंद खेल होगा उसका उसको चित्र बनाना है और उस खेल का नाम लिखना है। आदर्श प्रताप सिंह आपका मनपसंद खेल क्या है? बताइए जल्दी सभी लोग जल्दी। छुपम छुपाई। छुपम छुपाई खेल नहीं होगा। छुपम छुपाई का चित्र आप बना पाओगे? हाँ बेटा जिस खेल का चित्र बना सकोगे वही चित्र बताओगे मनपसंद खेल, क्योंकि आपको चित्र बनाना है नाम भी राइट करना है। क्रिकेट। तो अगर देखिए लिसन टू मी आप लोग, अगर क्रिकेट खेल होगा आपका तो आपको क्रिकेट का बैट और बॉल दोनों बनाना होगा, लिखना होगा क्रिकेट। अगर आप फुटबॉल पसंद है तो आप फुटबॉल बैट बॉल बैट बॉल बनाओगे। अगर बैट बॉल पसंद है, हॉकी का खेल पसंद है तो हॉकी बनाओगे, हॉकी वाला बॉल बनाओगे ठीक है। अगर आपको कैरम पसंद है
तो कैरम बोर्ड बनाओगे, लिखोगे कैरम बोर्ड। अगर लूडो पसंद है तो लूडो का चित्र बनाओगे, लूडो लिखोगे। शतरंज का खेल पसंद है तो शतरंज खेल चित्र बनाओगे। समझ गए? नीचे यहाँ लिखा है ना कल करना है, आज नहीं कल। मैम कलर, अगर आप कलर कर पाओगे तो कलर भी कर लोगे। लीपा पोती नहीं करना है, अगर बढ़िया कर पाना तो करना नहीं, पेंसिल से खूब बढ़िया से बनाना, ठीक है? आदर्श यादव और जानीपुर अभी तक कहाँ गायब थे आप? हाँ अभी आप ज्वाइन कर रहे हो, सो के उठे हो क्या? हाँ कहाँ थे अभी तक? मैम फोन लेके मैम चले गए थे, मैम अभी आई थी मैम। समझ में आया सबके? हाँ सौम्या आपके समझ में आया बेटा क्या करना है? मानसी और बीरू आप लोग भी लेट किए हो, क्यों लेट किए हो मानसी? मैम महिमा आपके समझ में आ गया बेटा क्या करना है? अभिनय पांडे, प्रज्वल समझ में आया क्या करना है? प्रज्वल क्या आपका मनपसंद खेल क्या है बेटा बताइए? प्रज्वल सिंह मैम क्रिकेट। हाँ तो आप क्रिकेट का बैट और बॉल बनाओगे बढ़िया से पेंसिल से खूब। अगर रंग कर पाना तो अच्छे से रंगना, नहीं तो रहने देना। और नीचे अपना नाम क्रिकेट बैट बॉल, ठीक है? क्रिकेट का खेल है तो बैट बॉल। अभी लोग समझ गए ना? हाँ चलिए पेज नंबर 34 ओपन कीजिए। पेज नंबर 34 ओपन करे मैम, ओपन किए मैम, ओपन करे। CW डालिए ऊपर, 33 पे SW रहेगा आपका, 33 जो है SW रहेगा उम्र, और 34 आपका CW। CW डालिए, डेट डालिए आज का। मैम बुक भी है? हाँ आप देश से आओगे तो आप क्या समझ पाओगे?34 नाटक का क्रम सब लोग ओपन किए। देवेश तिवारी, देवेश तिवारी देवेश तिवारी आसमान आप करते क्या हो पूरे सेशन भर? क्यों मोबाइल छूते रहते हो? हाँ पढ़ने बैठते हो, क्या करते हो तुम? अरे मैम आपको हम बाहर कर देंगे, नहीं आप ठीक से बैठा करो। मैम हम लोग भेज देना। देवेश तिवारी आपकी मोबाइल एक जगह स्थिर नहीं रहती है, घुमाया करते हो इधर उधर, जो है मूव किया करते हो।
ठीक से बैठा करो। वर्मा क्या कर रहे हो? आदर्श वर्मा हमने कई बार आपको समझाया कि आप लोग जो भी कुछ करते हो सारा यहाँ दिखता है, तो फिर आप ठीक से बैठ नहीं पाते हो। हाँ सीटों के बैठ जाओ आराम से, जो राइड करने को कहा जाए राइड करो। पेज नंबर 34 आप लोग ओपन किए, नाटक का क्रम लिखा है। चलिए ध्यान पढ़िए क्या राइट है। आदर्श वर्मा पढ़िए क्या लिखा हुआ है, बताइए पढ़िए। जादू का जादू, जादू नाटक का, नाटक का आरंभ मध्य और अंत दिए गए खेलों के चित्रों पर सही अंक लिखकर खेल के नाम पर सही का निशान लगाए। क्रिकेट फुटबॉल चलिए आवाज बंद कीजिए। चलिए आदर्श प्रताप सिंह, आदर्श प्रताप सिंह आप बताएंगे। आदर्श प्रताप सिंह माइक ऑन कीजिए। फुटबॉल आदर्श यादव और जानीपुर। यस मैम आप बताइए इसमें आप लोगों को देखिए करना क्या है। सभी लोग सुन लीजिए, इसमें नाटक का आरंभ यानी जब नाटक शुरू हुआ था तब उन्होंने कौन सा खेल किया था, तो हम फर्स्ट क्रमांक लिखेंगे। जो नाटक के बीच में खेल हुआ था उसको हम सेकंड क्रमांक लिखेंगे, और अंत में जो खेल हुआ था उसका हम थर्ड क्रमांक लिखेंगे। ठीक है, और सही निशान लगाएंगे। यहाँ तीनों खेल दिया हुआ मैम, कहाँ पर लिखना है क्या क्रमांक के लिए? यहाँ बॉक्स बना हुआ है, देख रहे हो सब खेल के? यस मैम सब खेल में बॉक्स बना हुआ है, बना है बॉक्स। हाँ बना है। और दो दो खेल का नाम दिया गया है। ठीक है, दो में से एक खेल सही है जहाँ पे हमें टिक सही का निशान लगाना है, और बॉक्स में क्रमांक लिखना है। ठीक है, में क्या लिखना है? हाँ चलिए बताइए आप लोग। जैनू और जैकी ने जब नाटक शुरू में क्या हुआ लिखना था? है चुप रहिए। पहले सुनिए, जैनू और जैकी जब खेल नाटक का शुरुआत होता है तो उसमें कौन सा खेल दिखाया गया है? क्रिकेट का? मैम क्रिकेट। मैम क्रिकेट। क्रिकेट क्रिकेट खेलते हैं शुरू में नाटक में? प्रथम भाग में कौन सा खेल खेला गया था? हाँ भूल जाते हो। फुटबॉल मैम। मैम ऐसे मैम चौपड़ का खेल, चौपड़ यस मैम। चौपड़ का खेल सुनिए, ये कौन सा क्रमांक होगा आपका? पहले चौपड़ का खेल शतरंज में से कौन सा खेल था? चौपड़ का खेल। यस मैम। तो चौपड़ का खेल पे आप
सही का टिक लगाइए चौपड़ का खेल। क्रमांक क्या होगा आदर्श इसमें? मैम तू होगा कि फर्स्ट होगा? मैम फर्स्ट। मैम तुम की हार की। मैम फर्स्ट। मैम फर्स्ट लिखिए। मैम लिखे फर्स्ट लिखे ना? मैम लिखे। यस मैम। कहानी में नाटक में मध्य में दूसरा खेल कौन सा खेल होता है? मैम रोबोट का खेल। खेल रोबोट का खेल। टिक कीजिए रोबोट का खेल। क्रमांक क्या रहेगा इसमें? मैम फर्स्ट। सेकंड। सेकंड फर्स्ट हो चुका ना? यस मैम। सेकंड होगा। सेकंड राइट कीजिए यहाँ बॉक्स में। रोबोट का खेल जहाँ लिखा हुआ नीचे है, सबसे सबसे नीचे है ना रोबोट का खेल? यस मैम। चित्र में यहाँ आपको सेकंड क्रमांक लिखना है, ठीक है? अब आपका एक बचा है ऊपर वाला। ऊपर वाला यानी अंतिम कहानी का अंत। अंत में कौन सा खेल दिखाया गया था? क्रिकेट का खेल। और उसके दोस्त क्रिकेट खेलने लगते हैं, तो क्रिकेट खेल क्रिकेट खेल पे टिक कीजिए। और क्रमांक क्या लिखेंगे आप? थर्ड। आपका सी डब्ल्यू कम्प्लीट। कम्प्लीट हो गया ना? यस मैम। मैम मैम ये वाला मैम ये वाला मैम मैम आज करना ना? मैम खेल दीवार। ये बेटा होमवर्क है, ये आपको कल भेज कल करके भेजना रहेगा बस। यस मैम। आपको वर्क मिल चुका है। यस मैम। आज आप इसका फोटो भेजेंगे पेज नंबर 32 का। कल आपको खेल दिवस का करना होगा। हाँ बेटा। मैम हम भी भेज रहे हैं। मैम हाँ तो जो भेज चुके हो, हाँ जो भेज चुके हो उनको नहीं भेजना है, बाकी लोगों को भेजना है। मैम हम भी भेज चुके हैं। मैम यार जो है इसको आज नहीं भेजना है बेटा। ये चित्र वाला नहीं भेजना है आपको, जो अभी कराए हैं इसको ऐसे रहने दें, इसको भेजना नहीं है आपको, ठीक है? एसी डब्ल्यू है, आपको भेजना नहीं है इसको। यस मैम। मम्मी गड्ढा हो गया। कंप्लीट हो गया सबका? यस मैम। लेट हो गया। किसी को कोई प्रॉब्लम है पूछना है कुछ? नो। चलिए अब हम पूछेंगे रौनक पासवान। रौनक पासवान। यस मैम। बेटा पेज नंबर 33 पे आपको क्या करना है? मैम 33 पर मैम ये नीचे क्या राइट करना है? मैम नीचे क्या राइट करना है? किसके नीचे बेटा? मैम मैम 33 के नीचे जो लिखा है मैम, जो चीज का नाम लिखिए।
चूज चीज का मतलब, जैसे बेटा आपने क्रिकेट के, आपको क्रिकेट का खेल पसंद है? यस मैम। नो मैम। नो मैम। कौन सा खेल पसंद है मैम? जो पसंद है नीचे खेल राइट करना है। खेल ऊपर लिखोगे, नीचे उस खेल के जुड़ी हुई चीजें का नाम लिखना है। जैसे आप क्रिकेट पसंद कर रहे हो तो क्रिकेट खेलने के लिए बैट और बॉल लगता है ना, तो यहाँ आप लिखेंगे बैट बॉल। अगर आपको फुटबॉल पसंद है तो आप फुटबॉल के लिए बॉल लगता है, तो यहाँ लिखेंगे बॉल। अगर आपको लूडो पसंद है तो लूडो में लगेगा क्या होगा, गीट, है ना। ऐसे उस चीज का नाम लिखना होगा जिसकी चीज से उस खेल को आप खेलते हो। खेल आप जो खेल का आपका पसंद है उस खेल को आप कैसे किन चीजों से खेलते हो, उस चीज का नाम लिखना है। यस मैम। आप समझ गए? यस मैम। चलिए अनुष्का, आपको कौन सा खेल पसंद है? अनुष्का कोई खेल नहीं बताइए बेटा, कौन सा खेल पसंद है? माइक ऑन कीजिए, माइक माइक ऑफ, माइक ऑन कीजिए पहले। मैम कैरम बोर्ड। हाँ मैम कैरम बोर्ड। मैम कैरम बोर्ड। कैरम बोर्ड को खेलने के लिए गीट, गीट यानी गोटी। यस मैम। करते हैं ना? यस मैम। यस मैम। तो आप लिखेंगे गीट या गोटी, ठीक है? यस मैम। प्रज्वल। प्रज्वल आपको कौन सा खेल पसंद है? मैम बैट बॉल। तो बैट बॉल। मैम क्रिकेट। क्रिकेट। क्रिकेट में कौन सी चीज का से खेलते हो? मैम बैट और बॉल। हाँ, नीचे लिखोगे बैट और बॉल, ठीक है? यस मैम। बैट बॉल का चित्र भी बनाओगे, ठीक है? बैट बॉल का चित्र। yes, yes, जो खेल पसंद रहेगा। महिमा अहम, आपको लोगों को क्या पसंद है बेटा? आर्यन मिश्रा को कुछ नहीं बोलना है? आर्यन मिश्रा चलिए बेटा, तो आप आज जो है आपका, आप लोग कल होमवर्क कर लेंगे तो बुक भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? यस सर। अच्छा बताइए बेटा, इस पाठ के आधार पर जो एक पेज है आप लोग के सामने, एक पेज है 35 पेज है, ओपन किए आप लोग? यस मैम। ओपन किए? यस मैम। देखिए यहाँ राइट है, इस पाठ के आधार पर, ठीक है? पर। मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, ठीक है, अपने आप या किसी की मदद से। देखिए लोग सही सही बताएंगे। आई की मात्रा का लिखकर अभ्यास करना, आप लोग इसको खुद से कर सकते हो कि आप किसी से पूछ के कर सकते करोगे? आई की मात्रा से अपने शब्दों का अभ्यास। देखिए जो लोग खुद से कर सकते हैं वो अपने आप पे टिक लगाएंगे सही का, ठीक है? और जो लोग खुद से नहीं कर सकते हैं वो लोग यहाँ लगाए किसी की मदद से, यहाँ टिक करेंगे। चलिए कीजिए टिक, सही का निशान।
जो सही होगा उसी पे करना आप लोग, झूठ मत लगाना। अगर खुद से कर सकते yes, हो तो अपने आप पे टिक करोगे, और अगर किसी की मदद मैम एक ही मंत्र से लिखना है। हाँ खुद से लिख सकते हो yes, मैम तो अपने आप से टिक करोगे मैम टिक और एक में करना है। अगर खुद से करोगे तो अपने आप में टिक करोगे, और किसी की मदद से करोगे तो उसमें करोगे। चलिए दूसरा, नाटक को अपने अनुभव से जोड़ना, क्या इसको कर सकते हो आप अपने आप से? मैम नाटक नो मैम, किसी की मदद से वहाँ टिक कीजिए। मैम कहाँ पे? मैम कहाँ पे? जहाँ लिखा हुआ किसी की मदद कहाँ से? उस कालम में कीजिए, अब किसी की मदद वाले कालम में। मैम टिक करना है। हाँ एक में करोगी जो सही होगा, सही का मतलब जो ना आप कर नहीं कर पाओगी तब इसमें लिखना किसी की मदद से, अगर जो खुद से कर पाती हो तो अपने आप आप देखिए। अन्य खेलों के बारे में बातचीत करना, खेल के बारे में बातचीत कर लेते हो सभी लोग, खेल की जानकारी है आपको, खेल की जानकारी है तो अपने आप में आप टिक करो। और चलिए आय की मात्रा वाले अन्य शब्दों को पढ़ना और लिखना, आप लोग पढ़ शब्दों को पढ़ सकते हो लिख सकते हो आय की मात्रा वाली, है ना? यस मैम यस मैम, इसमें अपने आप पे टिक कर लीजिए। सेशन का समय समाप्त हो रहा है, किसी को कुछ पूछना है? नो मैम। चलिए बेटा सेशन एंड करते हैं, गुड बाय एवरीवन, गुड बाय। आप लोग फोटो क्लिक करके भेज दीजिएगा, गुड बाय मैम। कुछ नंबर 35 का पढ़ 32 का